नमस्कार के सब के सदस्य व्यक्ति एतन धन्यवाद धन्यवाद सत्यम का हो बकिया बोल जय श्री राम 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 जय श्री रा
बड़ा दोस्त है। बड़ी देर बहनों को बेटियों को करवा चौथ व्रत की ढेर सारी बधाई। आपके सुहाग को अटल रखे, आप का परिवार खूब फले फूले और ये त्योहार बार बार जो है आपकी जिंदगी में आता रहे, हमारी जिंदगी में आता रहे। आपकी फीड वालों का इस बार एक वहाँ बृहस्पति एक वहाँ केंद्र बृहस्पति जो मांगा वो मिला, जो आपने हुक्म किया हमने उसको करने का प्रयास किया। अब एक पुल लग रहा है नीचे, एक सड़क आ गई हमारी, एक सड़क आज बस चलेगी ऊपर को कहाँ को हर डे और बस ये नई गल हुई अब आपका सबसे बड़ी बात थी, आप कहते थे भाई आसन सब सेंटर चाहिए, तो हमने शरीर वालों को बिल्कुल नहीं छेड़ा। ऐसे मतलब भाई तो सारा सब सेंटर नहीं चकना ना आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी। मैं मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी का धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने आपको नया सब सेंटर दिया। आप थोड़ी सी जमीन करो कोई 5-6 बिस्वे। अब चुनाव के बाद 1 महीने के बाद जब सरकार बनेगी तो हम आपके सब सेंटर की बिल्डिंग बनाएंगे, क्योंकि 2 मंजिल बिल्डिंग, उसमें नीचे सब सेंटर और ऊपर में रेजिडेंस। तो आप जमीन का 1 महीने में नंबर दो जो हमारी खड है इसका चैनलाइजेशन का जो है दोनों तरफ से स्पर लग रहे हैं, बीच में क्रॉस लग रहे हैं, ये 700 करोड़ की DPR, इसमें एक खड भी है, परली खड भी है, परली खड भी है, अगली खड भी है, पपड़ोक वाली खड भी है, रिश्ते वाली खड भी है और मेन खड सोन खड की भी है और पारली तरफ मंडप वाली खड भी है। ये सारी खड्डों का एक बड़ा DPR बना हुआ है 700 करोड़ का, वो हमने भारत सरकार को भेज दिया है। तो समय लगेगा क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन जब ये प्रोजेक्ट का काम शुरू होगा, जैसे आजकल तनेड़ में शुरू हुआ है काम, तनेड़ में तो जैसे तनेड़ में हुआ वैसे यहाँ पर भी काम होगा 2 साल के बाद। तो अब मेरा सभी भाई बहनों से बुजुर्गों से कि ये हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि सब एकजुट होकर के, ना ऊपरली फील्ड गढ़नी ना भूली देखनी, सब एक है, हम एक हैं, एक रहेंगे। और इसी बात के ऊपर मैंने पहला वोट जिंदगी का 1977 में जो है स्कूल में डाला, उसमें हमारा पोलिंग बूथ शेरपुर वालों का भी और रिचली वालों को भी यहाँ हुआ करता था, लिखावा था। तो इतना काम करने पर तो 100/100 नंबर आने चाहिए। मैं क्या बोल सका ज्यादा। अब तो आप जो है अब जज की कुर्सी पे हैं, हम जो है मुर्जे में हैं, फैसला आपने करना है। मैंने अपना काम जो था भगवान को हाजिर नाजिर रख करके किया हुआ है, कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है, देखा ही नहीं, ऐसा सोचा ही नहीं भाई फलाने नहीं करना भाई, नहीं हमें क्या भगवान ने मौका दिया है। आप सब मेरे लिए तो धर्मपुर की जनता ईश्वर के समान है, आपने मुझे मौका दिया, 1 बार 7 बार दिया और अब अच्छे दिन आए हुए हैं। जितना काम इस बार हुआ है, इतना काम तो मैं 30 साल 6 बार पहले बुला तब दिन में इतना काम करता, इस बार तो 6 जो 30 साल का किया हुआ काम से 10 गुना ज़्यादा काम किया हमने, कहीं भी है किसी भी एरिया में चले जाओ आप। तो आप मैं क्योंकि प्रोग्राम आगे भी हैं, आपने भी जाना है क्योंकि आज करवा चौथ का व्रत है, तो मैं दोबारा से करवा चौथ की व्रत की सब सेंटर की पूर्ण की बस की आपको ढेर सारी बधाई देता हूँ, धन्यवाद।